नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल तिवारी ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि सपने में नाक देखने का क्या मतलब होता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि नाक किसे कहते हैं। नाक एक सरीसृप प्रजाति का जीव है जो बहुत ही बड़ा और काला होता है। अगर आप सपने में नाक को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में नाक देखने का मतलब जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदस्यता ले लें, तथा घंटी को दबाना ना भूलें और हमारी पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सपनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपनों को चार भागों में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि सपनों को चार भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। पहला, 12 से 3 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक साल में प्राप्त होता है। दूसरा, 3 से 5 बजे के बीच देखे जाने वाले सपनों का फल एक सप्ताह में प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सपने में नाक देखने का क्या मतलब होता है। तो स्वप्न ज्योतिष के अनुसार सपने में नाक देखना यह एक बहुत ही शुभ सपना है। यह सपना इस बात का संकेत करता है कि आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं और आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। तो अगर यही सपना कोई स्त्री देखती तो उसके लिए भी बहुत ही शुभ सपना है, उसे सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा और उसके परिवार में खुशहालियाँ आएंगी। तो अगर आप ऐसे शुभ फल देने वाले सपने अगर आपको बार बार दिखाई देते हैं तो आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। अगर आप अपने ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में आप अपने और अपने परिवार को बता देते हैं तो आपने जो सपना देखा उस सपने का आपको पूरा फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप अपने परिवार व अपने मित्रजनों में ऐसे शुभ फल देने वाले सपनों के बारे में बिल्कुल ना बताएं। और सुबह उठकर स्नान करके आप अपने इष्ट देव यानी कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने जो सपना देखा उस सपने का हमें पूरा फल प्राप्त हो। ऐसा करने से आपने जो सपना देखा उस सपने का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।